हाँ मुझे कुछ फील हो रहा था, वो जो बता रहा था ना वहाँ पे नीचे, फ्रीडम इतना इजी नहीं था, बहुत अजीब से फील हुआ मुझे वहाँ पे। करगिल मेमोरियल स्टेचू, करगिल वॉर का भी यहाँ पे। अभी हम लोग जाएंगे बांडूर ना, बांडूर पहले हम लोग आयरा को ले लेते। ए हाय बोलो, हाय बोलो, वाह आपका नाम क्या है? नाम बोलो। आयरा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पुंगी बालू जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लेडीज को चेक वो आईडी ले रहा है, हम लोग का नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुंगी बालू। कहाँ जा रहे हैं? पुंगी बालू, पुंगी बालू जा रहे हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट। एक तो टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है ये, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, रश बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट आते नहीं यहाँ पे, तो एक्सप्लोर इतना नहीं हुआ इस, सो इसीलिए तो हम लोगों को शायद बिल्कुल खाली जगह मिलेगा। और मुझे तो ऐसे जगह ही पसंद है, पीसफुल मिलेगा। पुंगी बालू बीच जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊँगा, सामने एक आयरलैंड है, वो इसी का नाम है जॉली बॉय, वो साइड में जाके आपको दिखाऊँगा। हम मेरे साथ बहुत सारे पब्लिक है, ये बेबी है, बेबी दीदी है, फिर भाभी के साथ मिले हैं दोनों। बाहर हो गया आप? बाहर आएगी तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर लेडीज़ को लेके आएंगे तो लेडीज़ का आपका जो आईडी है वो चाहिए चाहिए, ठीक है? देखा दो अभी 75। पहले से ये रेट है क्या? नहीं अभी बड़ा। अभी बड़ा? अच्छा अच्छा अभी 2017। ये किस चीज के जाना पड़ेगा? ये किस चीज का चार्ज लेता है? वाइल्ड लाइफ। अच्छा अच्छा फॉरेस्ट एरिया अंदर घुस रहे अभी, वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड लाइफ के अंदर। अच्छा पूरा ही बैठ गया वो। ये सारे कोरल्स है, पत्थर नहीं है ये? नहीं कोरल्स बोलते इसको, वो देखो फिशर्स देखो, उसमें ब्लू वाला, ब्लू ब्लू है, देखा? ब्लू भी नहीं बोले, ग्रीनिश बोले। चलो ना स्नॉर्कलिंग करते हैं। बट हां कोरल्स में नहीं जाना तुमको। क्यों? लीगल हो। अच्छा देखा ये सब, देखा रीफ, देखा ये सब, वाओ कोरल्स है ये सब, इतना सारा कोरल्स है। वो देखो वो देखो वो देखा कोरल्स, अलग कलर सब कोरल्स है, गोल्डन स्टोन कोरल, ब्रेन ब्रेन कोरल, ये ब्रेन कोरल नहीं है, ब्रेन तो दिखी है, डीप ये नहीं बोल, ये पूरा डीप है इधर, लाइव कोरल्स है ना ये? ये सब एकदम लाइव कोरल है। हाय सो मैं पहुंच गया अभी, ये कौन सा जगह है? पुंगी बालू। तो मैं पुंगी बालू में हूँ और कितना ब्लू वाटर है और सामने वाला ये आइलैंड कौन सा? कालापाड़ रेड लैंड। यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है ना ये? ये मेरे राजेश भाई है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है एक्चुअली, ये क्या है ना मतलब ये मतलब प्रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा अच्छा तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे गेस्ट वगैरह आना अलाउ नहीं है, अगर आते हैं तो ये सब चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेजेस। लेकिन आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे, 75 rupees पर पर्सन यहाँ पे एंट्री कॉस्ट है। और कैब का अलग चार्जेस? हाँ कैब, कैब का कितना लिया? 30 rupees। और कैब का भी अलग अलग से है। सो ये तुम्हारा लाइव कोरल्स है लेकिन यहाँ पे, हाँ आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कोरल्स का पिक्चर। और उस पार है ना जॉली बॉय, देखा था हम लोगों ने, जॉली बॉय उस तरफ है, उस तरफ है। अच्छा अच्छा
वाटर कितना क्लीन है, एक मिनट, वाटर ब्लू, बिल्कुल ब्लू लग रहा है, क्या वो पेंगोंग का, वो पेंगोंग लेक का जैसा लग रहा है। ये कोरल्स आप देख सकते हैं, या लाइव कोरल्स, पहले ना पहले लगता था ना, मतलब कलरफुल जैसा ना, वो ऑरेंज ऑरेंज लगता था, अभी देखो ना, मतलब इतना कलर उड़ गया है। सही बात है, यह से वो आता है एकदम कोरल से है ना, ये सर आता दिखता नहीं कोरल, हाँ सारे कोरल से। इसमें क्यों, इसमें क्यों टच नहीं कर सकते, क्यों है ऐसा इलीगल? इलीगल नहीं है, कोरल्स वगैरह टच नहीं करना चाहिए, क्यों? वो भी लाइव कोरल्स हो तो, अभी नॉर्थ बे में जैसे वो जगह में हो सकते डेथ कोरल्स है, बेकार है ना, ये पूरा लाइव कोरल्स है। कहाँ गया ये, इतना बड़ा कलरफुल मछली है, पानी को देख के स्विमिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, स्नॉकलिंग भी अलाउड नहीं है, नहीं तो स्नॉकलिंग कर सकते थे हम लोग। ओह ये जेटी है, और चलो अभी वापस जाने का टाइम हो गया, वापस अभी पता नहीं कहाँ ले जाएगा मुझे, और घूमते रहेंगे, चलो घूमते फुल बैठाते हैं वहाँ पर, चलो देखेगा छुट्टी पड़ा है।